हाय, वेलकम टू पीएस विलेज इंडिया टीवी। आज एक गोट फार्म पे आए हैं और इस फार्म का एड्रेस है मांडिया डिस्ट्रिक्ट में। मैं लास्ट में वीडियो का एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप लोग वीडियो पूरा देखना। और इस फार्म का ऑनर है मिस्टर श्रीकांत। श्रीकांत साहब नमस्ते। थैंक यू सर। तो अभी जो हम आपके फार्म पे देख रहे हैं बकरी, आपका जो लेफ्ट साइड में है जो राइट साइड में है वो कौन कौन से ब्रीड है? सर ये लेफ्ट साइड में आपका उस्मानबादी क्रॉसिंग है। सर उस्मानबादी क्रॉसिंग है, शायद नाटी मंडिया नाटी के लिए क्रॉसिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये होगा कोटा सर। कोटा सभी कोटा सिरोही और पारंपरिक। अच्छा तोतापुरी का। ओके ओके। कोटा सिरोही तोतापुरी ये चाहिए। ये हाइब्रिड वाला है? हाँ हाइब्रिड का ब्रीडिंग पर्पस के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आपका ये नाटी हो गया, मतलब देसी लोकल जो ब्लैक कलर का है। उस्मानबादी क्रॉसिंग होगा। उस्मानबादी क्रॉसिंग। और इसमें थोड़ा सा ग्रोथ में टाइम लेता है? ये लोग थोड़ा टाइम लेता है सर, ज्यादा इनिशियली अच्छा, अच्छा। वेट के नहीं होता। ओके। तो व्यूअर्स, ये फार्म का वीडियो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में रखा हुआ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो श्रीकांत जी, आपका ये फार्म का एज कितना है? 2 years हो गया सर। 2 years हो गया। हाँ सर। तो ये जो फार्म आपने, मतलब ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है इतना छोटा भी नहीं है, आपका मीडियम साइज का इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना एक्सपेंड हुआ, कितना एक्सपेंडिचर इसमें लग गया? पूरा टोटल हुआ सर 5 lakh हो गया सर। 5 lakhs में आपने? ओके। इंक्लूडिंग आपका शेड, गोट्स और सारे एक्सेसरीज जो भी है? गोट्स के लिए नहीं है सर। गोट्स का अलग है। शेड के लिए 5 lakhs हो गए। तो गोट्स में कितना इन्वेस्ट किया? ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया सर मैंने। फीमेल प्रेग्नेंट लिया सर। हाँ। मैंने पहले से 30 फीमेल प्रेग्नेंट लिया। ओके। कितना कॉस्ट आया उसका 30 फीमेल का? उसका होगा सर एक के लिए 8,000-9,000, मतलब एक के लिए 8,000 एवरेज पकड़ लें तो 2,40,000, 2,50,000 हो गया। ओके। 2,50,000 का आपका गोट और 5 lakhs का आपका हो गया शेड। तो अराउंड आपका 8 lakhs हम लोग मान लेते हैं, टोटल 1 lakh का आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है 2 साल पहले आपने किया। तो आफ्टर 2 years आपका वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया क्या? अभी सर मेरे को ये ना फीमेल ये फीमेल का है ना सर, वो इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन ये शेड का इन्वेस्टमेंट आने वाला है सर। ओके। जो आपने गोट पे जो इन्वेस्ट किया था वो आपको कवर हो गया सर मैंने। ओके। विदिन 2 years आपका 3-4 lakhs आ गया है? आ गया सर। ओके। अभी नेक्स्ट 1 year में आपका कंप्लीट जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हो जाएगा। अच्छा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे 30 फीमेल गोट्स, प्रेग्नेंट गोट्स से स्टार्ट किया, फिर उसने बेबी दिया और फिर आपका कारोबार आगे बढ़ता गया, तो आपके जैसा बहुत सारे होंगे हमारे कंट्री में यंग मैन जो लोग गोट फार्मिंग के लिए सोचते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया में तो बहुत सारे है गोट फार्मिंग का, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम से लोग उसको कवर नहीं, मतलब हमारे जो बाकी स्टेट्स है जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ पे वीडियो नहीं जा पाता है। तो आज आप हिंदी में बात कर रहे हो, ये हमारे लिए खुश मतलब नसीबी है, आप हिंदी बोल लेते हो। तो ये मैं जानना चाहूंगा, बाकी सारे यंग जो एंटरप्रेनर्स या यंग भाई लोग फार्मिंग पे आना चाहते हैं गोट फार्मिंग पे, उनके लिए एक अच्छा मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग एक गोट फार्म शुरू करे, आपने 30 से शुरू किया था, वो लोग अगर हाफ से शुरू करे, 15 गोट से भी शुरू करे, तो उसका फ्यूचर में अर्निंग का क्या वो प्रोस्पेक्ट है, क्या उसका आपको लगता है पॉसिबिलिटी कितना है, संभावना कितना है अर्निंग करने का? आ जाएगा सर उसका 15,000 के लिए मंथली 15,000 एवरेज अर्निंग हो जाता है सर। अच्छा एवरेज मान लीजिए आपका 1 lakh में जितना पैसा आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो मंथली 15,000 आ जाएगा फ्रॉम 15 गोट, लेकिन 15 बकरी से। हाँ इसके लिए सर हो जाएगा शायद, ये अभी फार्मर्स आ जाते हैं सर लॉकडाउन से, लॉकडाउन वजह से पूरा प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है सर। ओके। ऐसा आ जाते हैं, लेकिन उसका ट्रेनिंग ले सकते, ट्रेनिंग लेना है सर। अच्छा हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जो फार्म शुरू करने से पहले एक बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए ना, परफेक्टली ट्रेनिंग होना चाहिए सर। ओके। पूरा वेटरनरी डॉक्टर अलग से, ओके, पूरा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो वेटनरी डॉक्टर्स है उनसे आपको एक, या वहाँ पे जो असिस्टेंट वगैरह रहते हैं उनके साथ मीटिंग करके आपको एक बेसिक एक नॉलेज लेना पड़ेगा कि गोट्स में क्या क्या बीमारी आ सकता है, उसमें वैक्सीनेशन कब कब करना है, उसका हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट्स क्या क्या देने हैं, उसका प्रॉपर कंसल्टेशन एक वेटनरी डॉक्टर से आपको लेना पड़ेगा। और तो ट्रेनिंग भी देता है सर। तो मान लीजिए जिसे आप भी एक कॉमन आदमी है, आम आदमी है, तो आपने तो कोई वेटनरी साइंस पढ़ाई किया नहीं, तो डॉक्टर ने आपको जैसे गाइड किया उस गाइडेंस के बेसिस पे आपने अपना बकरी का ट्रीटमेंट किया या उसको आप मैनेज कर रहे हो? हाँ, दिया सर। तो उससे क्या है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा कि बहुत बीमारी हो गया, कोई डेथ वगैरह हो गया बकरी का? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा।
अभी है ना सर्दी का सीजन है, ये बारिश का सीजन विंटर सीजन है, विंटर सीजन है, इसी टाइम पे थोड़ा बीमारी आता है, बीमारी आता है सर, इसी टाइम पे ना वैक्सीनेशन ज्यादा पड़ा। ओके, मतलब एडवांस में प्रिकॉशन लेके रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन तो देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि कोई वेटरनरी डॉक्टर से हम पूछेंगे तो वो बता देगा कि आपको ये सारे मेडिसिन रेडी रखना है, ये देना है, मतलब इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है कि भाई आपको कोई मतलब इसमें मैथमेटिक्स है साइंस है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अगर नॉलेज पहले से नॉलेज है सभी इजी में हो जाएगा। ओके ओके, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जो है प्यार होना चाहिए, कि आपको गोट फार्मिंग के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, हाँ, तभी आप सारा नोट करके रख सकते हो, आपको यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, जो आप जैसे मेरा वीडियो कोई देख के भी उसको भी नॉलेज मिलेगा कि मतलब मेडिकेशन या वैक्सीनेशन इतना कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, वेटरनरी डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, आप थोड़ा नोट करके रख दो और टाइमली उसको मेडिसिन को खिला दो, उसको फोन कर दिया तो उसी टाइप का। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल देते थे। ओके ओके ओके, तो अभी तक दो साल में कोई बकरी डेथ हुआ है बीमारी होके, डिजीज होके? बीमारी होके सर एक दो अभी डेथ हुआ, रिसेंटली दो डेथ हो गया, वो सर्दी में ज्यादा पता नहीं था आपको, ठंडी पड़ गया, मैं भी बाहर गया था इसलिए वो डेथ हो गया सर। ओके ओके ओके, आप मतलब थे नहीं यहाँ पे तो मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन आप ये कहना चाहोगे कि मतलब बकरी का जो रोग रेसिस्टेंस या उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होता है? हाँ, ये नाटी में ज्यादा होता है, नाटी में इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हाइब्रिड में नहीं, थोड़ा सा वीक होता है वो लोग, तो उसका केयर ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब ये हो गया ट्रीटमेंट का पार्ट, मतलब कोई अगर स्टार्ट करना चाहे तो उसको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मतलब बकरी जैसे कि पोल्ट्री में भी है बीमारी आता है तो पूरा खत्म हो जाता है, हाँ, लेकिन बकरी में क्या है कि इससे पोल्ट्री से ज्यादा स्ट्रांग है ये लोग, इतना जल्दी जाएगा नहीं, और डॉक्टर से एडवाइस लेके आप कर सकते हो, और इतना वैक्सीन भी नहीं है पोल्ट्री जैसा, मेरे ख्याल से 2-3 वैक्सीन होगा, और तो ये ना वैक्सीन होता है सर PPR, TT और ET होता है सर। PPR, TT और ET, ये तीन मेन वैक्सीन है, तीन मेन वैक्सीन है सर, 6 महीने का एक। ओके ओके, ये तीन आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे तो बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा, वो भी दे देगा कौन कौन सी बीमारी के लिए क्या है, और हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम विटामिन और मिनरल वो तो मिल ही जाता है मार्केट में, कोई भी वेटनरी मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी आते हैं उसका फीडिंग पार्ट पे, कोई बकरी ले लिया, शेड बना लिया, अपना फार्म स्टार्ट कर लिया, लेकिन उनको जो खाना खिलाना होगा ना उसका, जैसे आप तो बाहर छोड़ देते हो 2 घंटे के लिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ग्रीन ग्रासेस है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरा फार्म के बाहर बहुत सारे फीडिंग फील्ड्स है, वहाँ पे वो लोग खा लेते हैं, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है, जिसका एरिया इतना आपके जैसा ग्रीन नहीं है, वहाँ पे वो लोग क्या उसको 24 आवर्स शेड में रख के भी फार्मिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, स्टॉल फीडिंग 100% कर सकते हैं सर, इसको होता है, लेकिन तीन टाइप का ये ना साइलेज होगा। ओके, साइलेज ड्राई फूड, जो ड्राई मतलब उसको बना के रखते हैं, जो बना के रखता है सर, वो ग्रीन ग्रास को काट के पैकेजिंग करके रखता है सर, वो साइलेज मार्केट में खरीदने के लिए मिल जाता है, खरीदने के लिए मिल जाता है, ऑनलाइन भी कोई ऑर्डर करेगा तो मिल जाएगा, कहीं पे भी एक कंट्री का वो मिल जाता है साइलेज, लेकिन उससे क्या है कॉस्ट कितना सेव होगा, वो फायदेमंद होगा अगर खरीद के खिलाएगा तो? हाँ, हो जाएगा सर, अच्छे से ध्यान से कर दिया तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अलग से खावा जो उसका फूड है वो खरीद के खिलाने से भी प्रॉफिट हो सकता है? एक बकरी जो एडल्ट है जो मैच्योर हो गया है उसका एक दिन का कितना किलो खाना खाता होगा? एक दिन के लिए अभी सुनिए सर, 20 kg का एक बकरा है, इसको खिलाता है सर पानी और तो खाना सभी मिला के और फीड मिला के 2 kg। ओके, 2 kg सारा फूड पानी और सब कुछ मिला के, सभी मिला के 2 kg। हाँ, तो 2 kg का कितना कॉस्ट आएगा? हाँ, इसमें सर इसमें साइलेज होगा मिनिमम 700 ग्राम से 1 kg से मिलेगा। ओके, और आधा केजी पानी, आधा लीटर पानी, आधा लीटर पानी और तो फीडिंग जो ड्राई फीड है वो आधा केजी, ऐसा मिला के टोटल 2 kg डेली चाहिए, 2 kg 20 kilo बकरे के लिए, 20 kilo। तो मतलब अगर 10 kilo का होगा तो 1 kilo, हाँ 1 kilo खाना चाहिए, 5 kilo का होगा तो 500 ग्राम और तो उसका बच्चा पानी दूध भी पिलाते हैं इस तरह का है। तो मतलब आपको खरीद के फूड खिला के भी उसको आप कर सकते हो, कर सकते इतना मतलब घाटे में नहीं जाएगा, घाटे में नहीं जाएगा, और ग्रीन ग्रासेस देने से क्या अच्छा रहता है उनके लिए? ग्रीन ग्रासेस तो दे सकते हैं, देना भी पड़ता है सर। ओके, जरूरी है देना जाना, एक टाइम पे देना पड़ता है। ओके, तो बाहर से भी तो लोग कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है ग्रीन ग्रासेस, थोड़ा थोड़ा जाता है, अगर नहीं मिला तो ये होता है हमारा गाँव से अक्षय होगा सर, सुबह बोला और ये ड्रमस्टिक होता है, ड्रमस्टिक का, अच्छा मतलब जो पत्ता है, जो कटहल का पत्ता हो गया, ड्रमस्टिक सर्जन का पत्ता हो गया, और उसी लेके आके वो भी खा लेते हैं, और जो बहुत सारे क्रीपर्स टाइप होते हैं जंगल में उगे रहते हैं वो भी डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको उसमें फायदा होगा। ओके, तो और ये हो गया फूडिंग का पार्ट,
अभी ये बताइए जैसे कोई इसका मार्केटिंग क्या क्या है, कैसे उसको करेंगे लोग? मार्केटिंग तो यही आके लेके जाता है सर इसका। अच्छा, इतना बहुत डिमांड है? इसका बहुत डिमांड है सर। अच्छा अच्छा, कोई जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत ही नहीं है। तो मतलब सेल करने के लिए कोई पोल्ट्री जैसा इसमें कोई ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, हाई डिमांडिंग डिमांडिंग है। लेकिन और मार्केटिंग के भी मार्केट्स होता है सर नजदीक में। ओके ओके, उसका प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम। तो आपको क्या लगता है कि एक बंदा जो आपके उम्र का है जिसका नौकरी नहीं है, वो अगर गोट फार्म शुरू करे, हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है उसके लिए? सबसे चैलेंज होगा इसका फीडिंग का। ओके, फीडिंग का चैलेंज है, फीडिंग का, ग्रीन ग्रासेस का या ग्रीन ड्राई ग्रासेस का चैलेंज है। वो अच्छे से कर दिया तो सक्सेसफुल है सर। अच्छा, मतलब एक ही ऑब्स्टेकल है, एक ही प्रॉब्लम है, ग्रीन ग्रासेस का और उसका डिजीज का। हाँ, डिजीज का। अच्छा, तो डिजीज तो मतलब दो साल में आपको, आप बोल रहे हो इतना मेजर कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? ज्यादा हाँ, क्योंकि आपका शेड में अगर विंटर का विंड को आप उसको प्रोटेक्ट कर दिया, आपका अगर ठीक से वेंटिलेशन वगैरह है, थोड़ा सा मेहनत किया तो डिजीज भी नहीं आता। डिजीज भी नहीं आता सर। ओके, तो आपका फीडिंग अगर आप ग्रीन ग्रासेस जुगाड़ कर लेते हो तो उसमें आपको फायदा है। और टाइम कितना लगता है मैनेज करने के लिए? आपका तो बहुत ज्यादा बकरी है, उसको मैनेज करने के लिए उसका 2 घंटा बाहर लेके जाते हैं। ओके, 2 घंटा बाहर छोड़ देते हो उसको? मॉर्निंग 1 घंटा, इवनिंग 1 घंटा। Okay. 4 घंटा लगता है सर। 4 घंटा आपको देना पड़ता है? देना पड़ता है। और आपका जो एवरेज महीने में कितना अर्निंग हो जाता है इससे? एवरेज 15 से 20,000 होगा सर। 20 आपका, आप अभी आपका अभी होगा सर 20 से 25,000 होगा। 25,000 4 घंटा दिन का आप देते हो, बाकी दूसरा काम भी करते हो? काम भी करते हो। और मुझे लगता है कि अभी आपका जो लॉट निकलेगा ना, अभी तो आपने पूरा सेल किया नहीं है, अभी आपका बेबी भी आएगा तो आपका 30,000-40,000 आराम से महीने का आ जाएगा। और आपका डे बाय डे ये ग्रो होगा? हाँ सर, डे बाय डे ग्रो होगा। तो कोई भी बंदा जो आपका जैसा है, वो बकरी जो अगर करना चाहे फार्म, तो मेरे ख्याल से स्टार्ट कर सकता है। हाँ सर, आज का जो वीडियो देखने के बाद उनको बिलीव हो जाना चाहिए कि ये जो ऑनेस्ट जो हमारे पास श्रीकांत जी है, जिन्होंने जो भी बताया है वो एकदम ऑनेस्ट बताया है, अपना फार्म का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्रीकांत जी का नंबर दे दूंगा, आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो बात कर सकते हैं। और जो लोग प्योर ब्रीड नाटी कोली नाटी वाला गोट का ब्रीड लेना चाहते हैं वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोग आराम से गोट फार्मिंग शुरू करें। और मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कितना जमीन है, यहाँ पे जहाँ पे आपने फार्म किया? 10 घंटा सर। 10 घंटा, 10 घंटा में आपने गोट फार्म भी बनाया और बाहर में पपीता का भी आपने 20-25 जो रेड लेडी पपीता भी लगा के रखा, कुछ साजन का पेड़ भी लगा के रखा, मतलब आपने लैंड का प्रॉपर यूज किया, हर एक इंच आपने यूज किया उसका, है? तो ये आपका एज कितना है अभी? सर 24। अरे बहुत, देखो 24 ईयर्स एज में आपने पूरा खुद का ही सब कुछ है प्लानिंग? खुद मेरा ही प्लानिंग है सर। मतलब आप जब 22 इयर्स के थे तभी आपने इतना कुछ स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट कर लिया। अभी तो शायद मैरिज भी नहीं हुआ होगा आपका? नहीं सर, नहीं। अच्छा, तो 24 इयर्स में आप इतना सक्सेसफुल गोट फार्म का ओनर हो और आपने हरी अपने लैंड का पूरा एकदम जुडिशियसली यूज किया, उसका प्रॉपर यूज किया, और आप 4 घंटा दिन में यहाँ पे टाइम कर देते हो। पढ़ाई वढ़ाई क्या क्या है? पढ़ाई बीकॉम कर लिया सर। ओके, बीकॉम कर लिया। तो इसके बाद आपने 2 साल से गोट फार्मिंग में है, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा जॉब भी है क्या आपका? जॉब नहीं है सर, इधर शुगर केन रखा है सर 2 एकड़ के लिए। ओके, शुगर केन का भी खेती है, वो भी आप देखते हैं? ये बनाना भी रखा है 1 एकड़ का। तो मतलब आप एक प्रॉपर फार्मर का एग्जाम्पल है, यंग मैन। आप मतलब आपको तो अभी बाइक में घूमने का टाइम है, अलग गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम है, मूवीज देखने का, मतलब आप अभी जो है इसी उम्र में आपका जो थिंकिंग है वो कितना डेवलप्ड ओरिएंटेड थिंकिंग है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग है। तो आपके जैसे अगर नौजवान हमारे देश में 20% भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि चाइना को ओवरटेक करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा श्रीकांत जी, आपने टाइम दिया। और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं श्रीकांत जी को, मतलब ये है कर्नाटका के श्रीकांत जी, देख लीजिए 24 साल का नौजवान जो आपने मेहनत पे अपने थिंकिंग पे इतना अच्छा उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो जो लोग इस तरह का करना चाहते हैं उनको एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनको रिकॉग्निशन के तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने हिंदी में बनाने का कोशिश किया क्योंकि श्रीकांत जी जो है वो हार्डकोर कन्नडियन है, उनको कन्नड़ा लैंग्वेज ही बोलना आता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो भाई लोग हैं नॉन हिंदी रीजन के या हिंदी रीजन के, वो अपना जो है वीडियो को देख ले और उससे नॉलेज ले और इस तरह से कुछ स्टार्ट करे, अपना जो भी प्रोजेक्ट है, अपना जो भी पैशन है, चाहे बकरी हो, पोल्ट्री हो या डॉग हो, कुछ भी हो सकता है, उसको स्टार्ट करे। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये है श्रीकांत जी का आउटर व्यू, ये उनका 10 घंटा, मतलब 10 ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं है, यहाँ पे उनका ये बकरी का शेड है और यहाँ पे जो भी लैंड खाली पड़ा हुआ था उसमें उन्होंने पपीता का
प्लांट लगाया और हर एक प्लांट में लगभग 40-50 किलो पपीता पकड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज क्वांटिटी में पपीता लगा हुआ है। कितना आपका पास होगा? अराउंड 30 होगा। तो 30 आपका जो पपीता प्लांट है उससे आपको कितना अर्न हो सकता है आप अगर सेल करना चाहो तो? हाँ, होगा सर 5000 के लिए। 5000 पर मंथ आ जाएगा? नहीं, पर मंथ नहीं है, एक साथ। मतलब अभी सेल करोगे फिर 15 दिन में दोबारा आ जाएगा? हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है, पूरा सेल कर दिया तो 5000 होगा सर। ओके, फिर दोबारा कब आएगा फिर क्रॉप? दोबारा फिर लगा दिया तो? लगा दिया ना, हाँ तो ठीक है, 5000 आपका आ जाता है। तो हर 3-4 महीने में 5000 आता रहेगा आपका? हाँ, आता रहेगा सर। उसके पीछे कौन सा है ये प्लांट सर? ये होता है ना सर, छाव के लिए, शेड? नहीं, उसका बकरी का खाने के लिए, खाने के लिए। ओके, ये मुझे उनका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन देखो उन्होंने एक क्रिएटिव माइंड अप्लाई किया यहाँ पे। उन्होंने एक प्लांट, एक ट्री लगाया, उसमें ग्रीन लीफ दिखाई दे रहा है आपको, ये बकरी के लिए अच्छा है लीफ, उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है और ये तोड़ तोड़ के बकरी को खिलाते हैं। यहाँ पे सारा लगा हुआ है उनका, बहुत सारे इस तरह का। क्या नाम है उसका सर? अक्षय होगा सर, एक और तो सुबह बोला होगा सर, अक्षय एंड सुबाबला। हाँ, सुबाबला। ओके, तो उसका हिंदी नाम ढूंढना पड़ेगा क्या है, मैं कोशिश करूंगा, अगर मिलेगा तो वीडियो में डालूंगा। और इसके साथ साथ ये जो ड्रमस्टिक सहजन का भी उन्होंने यह ट्री लगा के रखा है, और चारों ओर जो बकरी खाने वाला प्लांट है वही लगा के रखा है। और यहाँ पे एक उनका जसरी गाय भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक काऊ भी है। तो ये प्रॉपर फार्म हाउस, मतलब 10 घंटा जगह का जिस तरह से यूज़ करना चाहिए उन्होंने इस तरह से यूज़ किया। तो आप लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, अगर ये 22 साल 24 साल का नौजवान इतना कुछ कर सकते हैं तो इंडिया में तो माइंड्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लोग एग्जांपल के तौर पे लेना। थैंक यू।